हम आपको चैप्टर 11 पढ़ाने जा रहे हैं। तो चैप्टर 11 में है लाइफ एग्जिस्टिंग अर्थ, किस तरीके से लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है, क्या क्या चीजें जरूरत होती है अर्थ पर रहने के लिए, तो ये आपके बताया जाएगा। अर्थ कैसे बना है इसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, तो ये सब चीज आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड वाटर एंड एयर, तो जो हमारा अर्थ है वो जमीन पानी और एयर से मिलके बना है। मतलब अर्थ के ऊपर देखिए उसमें एयर भी रहता है, फिर पानी भी जरूरी है। अगर ये लैंड वाटर और एयर अवेलेबल नहीं होगा, इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी, तो यहाँ पे लाइफ नहीं, जीवन नहीं चलेगा, जीवन नहीं। जैसे मान लीजिए मून पे लोग गए तो वहां पे पानी की कमी थी, जिसकी वजह से वहां लाइफ नहीं मिला, जीवन नहीं था, लोग नहीं थे, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं थे। तो इस तरीके से ये तीनों चीज मिलकर ही यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब लाइफ चलता है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड, पृथ्वी का 3 भाग जो है वो पानी है और 1 भाग जो है वो जमीन है। अगर हम पृथ्वी को इस तरीके से सर्किल में हम देखते हैं तो इसमें 4 भाग अगर हम करेंगे तो इसका 3 भाग जो है ये पानी है, वाटर है, और 1 भाग जो है ये लैंड है। क्लियर? तो 3 भाग पानी है और 1 भाग जो है आपका जमीन है। तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और जो ये पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है एयर का, वो उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो आपका एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, तो जो लेयर बना हुआ है एयर का, हम लोग चारों तरफ जो खाली जगह है, पहले के चैप्टर में एयर चैप्टर में आप लोग बताया जा चुका है कि हम लोग के चारों तरफ जो खाली स्पेस होता है उसमें एयर है, वो एयर के लेयर को ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आते हैं टॉपिक पे, द प्लैनेट्स। तो पृथ्वी जो है वो एक प्लैनेट है, ये सभी लोग जानते हैं, एसएसटी में भी आपको करवाया गया है। द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, जो सूर्य है और पृथ्वी, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है, 150 मिलियंस किलोमीटर है, तो इतनी दूर पे सूर्य है। इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट गो अराउंड द सन। अब देखिए यहाँ पे एक हम फिगर आपको ड्रॉ करके बताते हैं कि ये जो सूरज है इससे बहुत, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, ऐसे करके एक रास्ता बना हुआ है और इसमें जो है सब अलग अलग ग्रह जो है अपनी अपनी ऑर्बिट में, इस तरीके से 8 इनके ऑर्बिट है और 8 प्लैनेट है, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं तो इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो इसमें कोई लाइट नहीं होता है। इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट एंड गो अराउंड द सन, ये 8 प्लैनेट मिलकर के सूरज के चक्कर लगाते हैं। द 8 प्लैनेट्स, अब इसमें से 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको हमने बताया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये आपके 8 प्लैनेट हैं। अब ये 8 प्लैनेट जो है सन और 8 प्लैनेट ये चक्कर काटते हैं, ये एक फैमिली के रूप में रहते हैं। तो सन और 8 प्लैनेट क्योंकि सूर्य के सब चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सन और 8 प्लैनेट मिलाते सोलर सिस्टम बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो द सन एंड दीज 8 प्लैनेट टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, हमने आपको बताया कि प्लैनेट का अपना कोई लाइट नहीं होता है, दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम, दिस मेक्स प्लैनेट ग्रो। अब देखिए सन की रोशनी जो है सब प्लैनेट्स में पड़ती है, जिसकी वजह से ये थोड़े चमकने लगते हैं और इसमें रोशनी भी हो जाती है और ये कभी कभी चमकीले। अब जैसे दिन के समय में हमारी रोशनी से क्या होता है, रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्लैनेट हम लोग का रोशनी होने लगता है, दिखाई देने लगता है, इसको चमकना भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रो करता है लाइट बर्न पर। द शेप, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, तो ये 1 पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है द शेप ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन था पुराने समय में, जब लोग हवाई जहाज नहीं थे, आदि मानव टाइप के थे, डेवलप नहीं हुआ था उतना दुनिया, तो लोग क्या सोचते थे कि हम लोग की जो पृथ्वी है वो एक प्लेट की तरह है, हम लोग उसमें खड़े रहते हैं और ज्यादा दूर तक जाएंगे तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। तो
फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट। बहुत समय तक लोग यही समझते थे कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, एक बुक की तरह है। बुक के ऊपर जैसे हम लोग कोई भी सामान रखते तो स्थिर हो जाता, प्लेट के ऊपर रख देते उस तरीके से फ्लैट है। जस्ट लाइक ए टेबल, जैसे कि टेबल के ऊपर हम सामान रखते हैं। देयर सम वाइज पीपल प्रूव दैट अर्थ इज राउंड, लेकिन कुछ बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन लोगों ने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है, गोल है। कैसी है? गोल है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये प्रूव किया कि गोल है, लेकिन इसको गोल भी नहीं बोलेंगे। इट टुक ए लॉन्ग टाइम फॉर एवरीवन एल्स टू बिलीव इट। बहुत समय तक लोगों ने इस चीज को, इट टुक ए लॉन्ग टाइम फॉर एवरीवन एल्स टू बिलीव इट, इस पे लोग, बहुत लोगों ने विश्वास भी किया। दीस डेज व्हेन पीपल गो इनटू स्पेस दे सी दैट द अर्थ इज लाइक ए ह्यूज बॉल फ्लोटिंग इन स्पेस। उसके बाद फिर और डेवलप हुआ, मैंने पहले था फ्लैट है, उसके बाद उसने बताया कि गोल है, पूरी तरह से गोल है। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं विश्वास किया। लेकिन जब और डेवलप हुआ तो जब रॉकेट से स्पेस में जाने का मौका मिला साइंटिस्ट लोग को, तो उन्होंने देखा जब ऊपर जाके स्पेस में जाके, उन्होंने उनको ऐसा फील हुआ कि अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह है जो कि स्पेस में तैर रही है, मूवमेंट कर रही है। जब पानी में जैसे कुछ ही तैरता है वैसे स्पेस में वो तैर रही है। ए ग्लोब लुक जस्ट लाइक द अर्थ। अब उसी का छोटा मॉडल जो हम लोग देखने को मिलता है, आप सब, कोई तो स्पेस नहीं जा सकता है तो पृथ्वी को देखेगा कैसे, तो उसका एक छोटा सा पार्ट बनाया गया। ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही दिखता है, इट लुक्स लाइक ए बॉल, वो बॉल की तरह दिखता है। इट ऑल्सो हैज ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ, और उसमें सारे पार्ट्स को दिखाया गया पृथ्वी के, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। द वॉटर, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे लैंड है, द कंट्रीज एंड द सिटीज मार्क ऑन इट, उसमें देश कौन कौन से हैं और क्या बोलते हैं, कंट्रीज कौन कौन से हैं, सिटीज कौन कौन से हैं, ये सारे चीज उसमें दिखाए गए हैं, तो इससे हम लोग घर बैठे देख सकते हैं। द नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो इस शेप ऑफ द अर्थ हो गया कि, तो बाद में ये प्रूव हुआ कि ये बहुत ज्यादा गोल भी नहीं है, मैंने एकदम राउंड भी नहीं बोलेंगे उसको, और ना ज्यादा और ना फ्लैट बोलेंगे उसको, बोलेंगे स्फेरिकल या स्फेयर। स्फेरिकल बोलेंगे, स्फेरिकल शेप या स्फेयर शेप। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से गोल तो होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चपटा टाइप का होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से होता है, ओके, इस तरीके से रहता है, तो इसलिए ये राउंड में भी नहीं गिनती आएगा, इसको राउंड नहीं बोलेंगे। अर्थ का अगर शेप पूछा जाएगा तो राउंड नहीं बताना है बल्कि स्फेरिकल या स्फेयर बताना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएसटी एंड साइंस आल्सो। ये टॉपिक जो है आपकी एसएसटी में भी आपको हेल्प करेगा और साइंस में भी, तो इस तरीके से ये दोनों टॉपिक क्लियर, इसको अच्छे से समझना है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है या चक्कर लगा रही है, तो उसमें दो तरह का मूवमेंट बने, या तो हिल रही है या एक जगह से दूसरी जगह जो भी जा रही है, तो दो तरह का मूवमेंट करती है, ठीक है। टू टाइप्स, दो तरह का मूवमेंट है, सबसे पहला है रोटेशन एंड देन रिवोल्यूशन। तो इसमें बच्चे ज्यादातर गड़बड़ी करते हैं कि व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? रोटेशन का मतलब अपनी जगह पे गोल गोल घूमना, अपनी जगह पे गोल गोल घूमना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम इसी जगह पे खड़े खड़े इस तरीके से घूम रहे हैं, तो ये रोटेशन कहलाता है। उसी जगह पे रेवोल्यूशन, अगर हम अपनी जगह को छोड़ देते हैं और किसी चीज के चक्कर काटते हैं इस तरीके से, कोई भी चीज बीच में रख के उसके गोल गोल चक्कर काटते हैं, तो वो हो जाता है रेवोल्यूशन। जैसे टॉप, आप खिलौने में देखते हैं लट्टू, लट्टू क्या करते हैं, आप जब नचाते हैं तो वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब अगर हम कोई भी चीज को इस तरीके से गोल 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 घुमाएंगे तो वो हो जाता है रिवोल्यूशन। तो हमको लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। रोटेशन क्या होता है? कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन, पृथ्वी जो अपनी जगह पे घूम रही है उसको एक रोटेशन में कम से कम 24 आवर्स या एक दिन लगता है, 24 आवर्स बोल सकते हैं या फिर वन डे बोल सकते हैं, उसको कंप्लीट होने में वन रोटेशन
24 आवर्स या वन डे लगता है, इससे क्या फायदा है? रोटेशन अगर ना करें तो क्या होगा? इससे डे और नाइट बदलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको एक फिगर दिया है, यहाँ पे आप गौर करेंगे कि पृथ्वी जब इस तरीके से अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है धीरे धीरे, तो क्या होता है, सूरज की रोशनी किस जगह पे पड़ रही है तो यहाँ पे डे हो जाता है, ठीक है, जो कि 12 घंटे का होता है। और जब ये रोटेट करके ये पोर्शन पीछे आ जाता है तो यहाँ नाइट हो जाता है और यहाँ डे हो जाता है। यानी सूरज के सामने जो भी पोर्शन आता है टाइमली 12 घंटे के बाद, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे दिन हो जाता है, और जो पीछे चला जाता है उसमें नाइट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट, रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट। और ये क्या, अपनी रोटेशन में क्या होता है, अपनी एक्सिस, ये जो लाइन है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहता है और इसी से डे नाइट बनते रहता है डेली डेली, ठीक है। देन नेक्स्ट रिवोल्यूशन, रोटेशन को हम बुक से आपको क्लियर कर देते हैं। द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप, पृथ्वी जो है नेपच्यून की तरह घूम रही है ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम, हमेशा। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, आपको दिखाई नहीं देता है कि वो वहां पे लाइन खींचा हुआ है पृथ्वी का, नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, वो गोल गोल घूमते रहता है अपनी जगह पे, ठीक है। दिस एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, ये टिल्टेड है, कैसे पोजिशन में है, टिल्टेड पोजिशन में है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, तो ये जो अपनी स्पिन पर रोटेट कर एक्सिस पर रोटेट करते रहता है इसको हम रोटेशन कहते हैं। ये आपको हमने क्लियर कर दिया है, द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, ये रोटेशन जो होता है, देखिए हम लोग का सन जो है ईस्ट से निकलता है वेस्ट में जाता है, लेकिन रोटेशन जस्ट अपोजिट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स में ये कंप्लीट करता है वन रोटेशन, दैट मेक्स ए कंप्लीट डे, एक दिन में जो कि कंप्लीट होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, हमने बता दिया आपको कि ये इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिवोल्यूशन, व्हाट इज रिवोल्यूशन, इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया है कि किसी भी चीज के चक्कर लगाने को रिवोल्यूशन कहते हैं। मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इसका फिक्स्ड ऑर्बिट इस तरीके से, देखिए यहाँ पे हमने आपको फिगर ड्रॉ किया है कि सन के चारों तरफ में पृथ्वी इस तरीके से अपने रास्ते पर, यानी ये रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में चक्कर काटती रहती है, कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ। इस रिवोल्यूशन में उसको कितना टाइम लगता है, 365 1/4 days, यानी पूरा एक साल, 365 days का वन ईयर होता है, एक साल लगता है, वन ईयर या 365 1/4 days। 1/4 जो होता है वो एड होते होते 1/4 आपको दिखाई नहीं आता, बल्कि वहां पे बोला जाता है अबाउट 365 days, और ये 1/4 एड करते करते लीप ईयर बनता है। तो लीप ईयर के बारे में चैप्टर नहीं है, आपको एसएसटी में बताया जाएगा। तो आप सिर्फ इतना समझिए, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन 365 1/4 days, 365 1/4 days यानी 365 days और 6 घंटे, 1/4 days का मतलब हो गया 6 घंटे। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गोल गोल इस जगह से इस जगह सर के राउंड लगा रहा है, इसकी वजह से चेंजेस ऑफ सीजन होते हैं। जैसे कुछ 3 महीना 4 महीना हम लोग का गर्मी रहता है, फिर बारिश हो जाता है, फिर ठंडा आता है, इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट में स्पेस जगह जगह पे जाने से उसका सीजन चेंज होते रहता है। तो आज के लिए तो द अर्थ मूव्स अराउंड, इसको बुक्स में हम देखते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसमें राउंड लगाता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंजेस इन द सीजन। ये आज आपका चैप्टर हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट डालेंगे। ओके, थैंक यू।